नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोरेटोरियम 3 अपडेट के बारे में। दोस्तों आप लोग को बता दूँ, एक न्यू अपडेट आया है मोरेटोरियम 3 के बारे में जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आपको इस बार 6 मंथ का जो मोरेटोरियम है क्या आपको मिल पाएगा, क्या आपको इस बार RBI जो है मोरेटोरियम देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार जो है 6 मंथ के लिए मोरेटोरियम की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे दोस्तों RBI जो है इस पर जो है प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है अभी कुछ टाइम पहले ही RBI ने ये अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी और बैंक के ऊपर है कि कंपनी और बैंक अगर चाहेगी तो कस्टमर को मोरेटोरियम मिल जाएगा, अगर कंपनी और बैंक नहीं चाहेगी तो कस्टमर और जो है उसको मोरेटोरियम नहीं मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये था, काफ़ी लोग जो है इस बात पे ऑब्जेक्शन किए और काफ़ी लोग जो है ट्वीट भी किए और काफ़ी लोगों ने जो है कंप्लेन भी किया कि अभी हमारी जॉब इनकम सब कुछ बंद है, हम कहाँ से MI पैड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो NBFC रजिस्टर कंपनी है, ये काफ़ी इनके जो थर्ड पार्टी ऐसे लोग हैं जो अपने कस्टमर कॉल करके परेशान करते थे, हैरेसमेंट करते थे और काफ़ी धमकी भी देते थे, घर पे आके उल्टी सीधी हरकत करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता है कि कोर्ट में इसका जो है एक PIL लगाया गया था कि इस पर जो है वर्क किया जाए और इसमें सुनवाई किया जाए, क्या कस्टमर को राहत मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी न्यूज आई जो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि कस्टमर को 6 मंथ का मोरेटोरियम मिल सकता है। और दोस्तों इस पर अभी जो है RBI इस पर अपना पूरा प्लानिंग कर रहा है और इसकी सुनवाई जो है दोस्तों अभी इस मंथ में ना होने की चांस है, अगले महीने जो है सितंबर वाले मंथ में दोस्तों आपको जो है हो सकती है इसकी सुनवाई, 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच में दोस्तों सुनवाई इसकी हो सकती है, आपको अच्छी खबर मिल सकती है। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अगर अगले महीने RBI 6 मंथ के लिए अनाउंसमेंट कर देता है, अगर RBI ये बात अगर नोटिफिकेशन या आप लोग को वीडियो के थ्रू अगर बता भी देता है कि कस्टमर को मोरेटोरियम 3 मिलेगा 6 मंथ के लिए, तो क्या हमें जो सितंबर मंथ का MI है क्या उसे पैड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब मोरेटोरियम 2 आया था तो काफ़ी कस्टमर को कंपनी और बैंकों ने मोरेटोरियम नहीं दिया, काफ़ी कस्टमर को ये बातें बता के हटा दिया गया कि अभी हम मोरेटोरियम नहीं दे सकते। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आया है, इस बार जो कोर्ट में दोस्तों जो PIL लगाया गया था वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे किए गए हैं कि जिस कस्टमर को हैरेसमेंट किया जा रहा, जो NBFC कंपनी जो रजिस्टर है, जो उसके थर्ड पार्टी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको हड़काते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टी उल्टी ऐसी बातें करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इस पर एक्शन लिया जा सकता है। जो आपको हैरेसमेंट कॉल आते थे वो कॉल आपको नहीं भी आ सकते हैं। अगर दोस्तों RBI की तरफ से ये मोरेटोरियम अगर मिल गया 6 मंथ के लिए तो आप लोग को जो हैरेसमेंट कॉल आते थे वो तो नहीं आएंगे। बट दोस्तों इस बार आप लोग ये मत सोचना कि 2 में आप को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी, बट आपको 3 में दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो काम हो रहा है कोर्ट से हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में काफ़ी सारे एप्लीकेशन और काफ़ी बातें वहां पे रखी गई थी कि कस्टमर अगर MI नहीं दे पा रहा है या कस्टमर अगर मोरेटोरियम ले भी रहा है तो उसको इस तरह से हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो काफ़ी सारी बातें उसमें रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर कस्टमर को संतुष्टि देने के लिए और उसका सहयोग करने के लिए एक अलग टीम जो है बन सकती है, और जो आपको हैरेसमेंट कॉल आते थे वो आपको नहीं सकते हैं। बट दोस्तों ये शर्तें कब लागू होंगी, जब आपको मोरेटोरियम 6 मंथ के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे अब मैं सवाल करता हूँ, क्या जो अगस्त महीना बीतने वाला है, जो सितंबर महीना आएगा, तो क्या इस मंथ में जिनकी किस्त आने वाली है 2-3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर या 20 सितंबर, तो क्या उनको MI देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे इस बार अगर इसी मंथ में RBI तो अनाउंसमेंट अगर नहीं करता है तो कंपनी अपने तरफ से ECS तो जारी कर देगी। अब दोस्तों अगर आपका ECS हिट होगा, अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको जो है चार्ज लगेंगे, वो भी बाउंसिंग चार्ज। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि RBI जो है इस पर क्या कस्टमर को जो ECS बाउंसिंग चार्ज लगेगा क्या उसे रिमूव करेगा, क्या कस्टमर को वापस मिलेगा या कस्टमर का सहयोग होगा, ये दोस्तों RBI और बैंक के ऊपर निर्भर करता है। बट दोस्तों मैं RBI से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार अगर आप मोरेटोरियम
का अनाउंसमेंट अगर हो भी जाता है जो कस्टमर को नुकसान जा रहा है इस बाउंसिंग चार्ज का अधिक, उस पर जो है कुछ ना कुछ तो कस्टमर को राहत मिलना चाहिए। ये दोस्तों अगर अगले महीने से अगर मॉनिटरिंग पॉलिसी अगर लागू भी होता है तो इस मंथ का जो भी ईसीएस अभी लग चुका है, आप लोग को पता है कि 23-24 तारीख के बाद से ईसीएस लग जाते हैं। अगर ईसीएस लग जाते हैं तो जो बाउंसिंग चार्ज है वो तो कंपनी कभी देती नहीं है, क्योंकि बैंक बोलता है कंपनी ने इस चार्ज को लिया है और कंपनी बोलता है बैंक ने लिया है। तो दोस्तों देखना ये है क्या RBI जो है इस पर वर्क करके आप लोग का सहयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो टाइम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मगर तो एक बात क्लियर है कि आप लोगों को 6 मंथ के लिए मोरेटोरियम मिलने की उम्मीद है। बट दोस्तों इसमें मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा कि आप लोग को मिल जाए। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो न्यूज़ के आधार से जो खबर है उसी के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें अगर सरकार गवर्नमेंट RBI कोर्ट अगर चाहेगी तो आप लोग को 6 मंथ के लिए मिल सकती है। बट इस बार जो कानून और जो कार्रवाई होगी बहुत सख्त होगी, इस बार कंपनी और बैंक को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को नोट करके एप्लीकेशन डाला गया था कि कस्टमर को ये दिक्कत झेलनी ना पड़े। तो आप लोग वेट करो, हम जो है अगर जो भी अपडेट आएगा आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग के पास पैसों की प्रॉब्लम है तो आप लोग बेहिचक के रेट कीजिए ट्विटर पर जाके, या तो आप जो है ईमेल कीजिए। अगर अब आप जो है ईमेल करते हैं तो काफ़ी आप लोग को सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है, अगर आएगी तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। और इसमें एक सवाल और था, जो लोग बोल रहे थे कि हम जो है इस बार काफ़ी बैंक थी जो हमको इस बार हैरेसमेंट अपने थर्ड पार्टी से कॉल करवा के हमको परेशान कर दिया और उल्टी पुल्टी ऐसी गालियाँ वालियाँ दी, ऐसी ऐसी बातें कुछ लोग बता रहे थे। बट सो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार अगर इसमें अनाउंसमेंट होगा तो आप लोग का लाभ ज़रूर होगा। तो आप लोग वेट कीजिए, जैसी कोई खबर आएगी मैं आपको बताऊँगा। बट इतना है उम्मीद कि आप लोग को मोनिटर मिल सकता है, बट मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इस बार जो है RBI और कोर्ट की बात है, इसमें वर्क बहुत तेजी से हो रहा है। तो बस इतना ही कहना था। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।